हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वेरी न्यू टॉपिक विच इज़ नोट मेकिंग एंड दिस टॉपिक इज़ फॉर क्लास 11th फॉर बोथ CBSE एंड UP बोर्ड. फॉर CBSE बोर्ड इट वॉज ऑलरेडी इन द सिलेबस, बट फॉर UP बोर्ड दिस इज़ अ वेरी न्यू टॉपिक एज योर सिलेबस हैज़ बीन चेंज्ड एंड योर बुक हैज़ बीन चेंज्ड. सो फॉर दैट मैटर, सो वॉट इज़ नोट मेकिंग एंड वाई डू वी हैव टू नो हाउ टू मेक अ नोट. सो नोट मेकिंग में क्या होगा, क्वेश्चन में एक पैराग्राफ आएगा, एक पैसेज आएगा जिसमें कई सारे पैराग्राफ्स होंगे और उसमें से आपको नोट बनाना होगा, नोट मेकिंग करनी होगी, जिसका काफ़ी अलग अलग तरह का तरीका होता है विच आई एम गोइंग टू टेल यू. सो नोट मेकिंग में क्या बात दिमाग में रखनी होती है कि हम नोट मेकिंग कैसे कर सकते हैं. सो नोट मेकिंग का मतलब ये होता है कि जब आपको एक बड़ा सा पैसेज दिया गया है उसमें से आपको केवल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को छाट करके लिखना है. सो यू हैव टू पिक आउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड वर्ड्स और उसको जितना आप शॉर्ट में करके लिख सकते हो आपको उतना शॉर्ट लिखना होता है. और इसको लिखने का पैटर्न है, तरीका है, एज़ पर जैसा आर्टिकल पढ़ा था CBSE बोर्ड में. आर्टिकल होता है, लेटर राइटिंग होता है, जैसे सबका अपना एक तरीका होता है वैसे ही नोट मेकिंग का भी अपना एक तरीका होता है. तो नोट मेकिंग कैसे करते हैं, या अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे समरी कैसे करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग कैसे करते हैं. तो दिस इज़ योर राइटिंग सेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये और नोट मेकिंग में ये है कि आपको मार्क्स जो है वो बहुत ईजिली मिल जाते हैं बिकॉज इसमें पॉइंट्स लिखने होते हैं. तो यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग, आपको शॉर्ट शॉर्ट में करके लिखना होता है विच इज़ वेरी ईजी. ओके, तो अब नोट मेकिंग में हमें कैसे करना है या कैसे स्टार्ट करना है. तो सबसे पहले नोट मेकिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नोट मेकिंग में हमें लिखना ही है. सो फर्स्टली वी हैव टू राइट हेडिंग. हेडिंग लिखनी होती है. अब हेडिंग कैसे, क्या लिखनी होती है, तो हेडिंग हर एक सिंगल पैराग्राफ की लिखी होती है. जैसे एक पैसेज आता है जब, तो वो 4 से 5 उसमें पैराग्राफ्स होते हैं या 3-4 जितने भी होते हैं, तो हर एक पैराग्राफ की आपको अलग अलग हेडिंग लिखनी होगी. अब वो जो हेडिंग होगी वो 4 से 4 to 5 वर्ड्स की होगी और आपके अपने शब्दों में होगी. तो ऐसा नहीं है कि आपको डिक्टो उसको वैसे ही लिख देना है, नहीं, आपको उसको अपने वर्ड्स में शॉर्ट में करके लिखना होता है. देन कम्स सब हेडिंग. अब जैसे पूरा एक पैराग्राफ है उसकी एक हेडिंग लिख ली हमने, अब उस पूरे पैराग्राफ में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें कही जा रही हैं ये हमें सब हेडिंग में लिखना होता है पॉइंट्स बना के. अब यहाँ एक सब हेडिंग में एक बात और ध्यान में रखनी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको बराबर लिखा है, तो इसका क्यों, ऐसा क्यों लिखा है, इसको कहते हैं इंडेंटिंग. इंडेंटिंग का मतलब क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे हेडिंग लिखी, उससे थोड़ा सा गैप छोड़ करके यू हैव टू राइट सब हेडिंग. जैसे एक सीक्वेंस में लिखना होता है. इंडेंटिंग का मतलब ये होता है कि एक हेडिंग जैसे यहाँ से स्टार्ट की, दूसरी यहाँ से स्टार्ट की, तो मुझे सारी चीज़ें उसी सीध में स्टार्ट लिखना होगा इंडेंटिंग. वो अभी हम लोग आगे एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे देन वी विल सी इट. उसके अलावा हमें अब क्योंकि हमें नोट मेकिंग करनी है तो हमें बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट करनी पड़ेंगी, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ कीवर्ड्स यूज़ करते हैं और कुछ एब्रीवेशन यूज़ करते हैं. अब एब्रीवेशन क्या होता है, एब्रीवेशन इज़ अ शॉर्ट फॉर्म. जैसे हम सपोज़ हम लिखते हैं अबाउट, तो अबाउट ऐसे लिखने की बजाय अगर हम अबाउट ऐसे लिखते हैं दैट इज़ वॉट वी कॉल एब्रीवेशन. तो एब्रीवेशन हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एब्रीवेशन एक्चुअल में होती है या नहीं होती है. हमें खुद से एब्रीवेशन बनाना है और फिर हम एक नोट साइड में लिख देंगे जिसमें हम बताएंगे कि इस एब्रीवेशन का क्या मतलब है. देन कम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल और मेन हेडिंग. यानी कि अभी तो हम लोगों ने जो हेडिंग लिखी वो अलग अलग पैराग्राफ की लिखी, लास्ट में हम क्या लिखते हैं, एक पूरा टाइटल लिखते हैं जो कि पूरे पैसेज के लिए होता है. अब क्वेश्चन ये है कि हम टाइटल लास्ट में क्यों लिखते हैं, तो टाइटल हम लास्ट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें हम पैराग्राफ के हिसाब से नोट मेकिंग करते हैं. जैसे एक पैराग्राफ पढ़ा तो उसका नोट लिखा, सेकंड पढ़ा तो सेकंड का नोट लिखा, इस तरीके से हम पढ़ते हैं. तो जब हम पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जो टाइटल होगा या हमारी जो मेन हेडिंग होगी पूरे पैसेज के हिसाब से वो क्या होगी. तो इसीलिए टाइटल जो लिखा जाता है वो इसका हेडिंग डाल के हम लास्ट में इसका टाइटल लिखते हैं. देन क्या है, यूज़ ऑफ सिंबल. यूज़ ऑफ सिंबल हम जैसे कॉमा लगा दिया या डैश लगा दिया, एरो लगा दिया, एट द रेट भी हम लगा सकते हैं. तो इस तरह के सिंबल्स यूज़ करते हैं सो दैट हमारा जो लाइन है या हमारा जो सेंटेंस है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाए. तो सिंबल्स का यूज़ इसीलिए करते हैं हम ताकि उसको हम और ज़्यादा कंसाइज कर सकें, उसको और ज़्यादा शॉर्ट कर सकें. अब ये ऐसे समझने से उतना अच्छे से नहीं आएगा, सो वी हैव टू लुक एट द पैराग्राफ. तो इसमें मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, पैसेज लिखा है जिसमें 3 पैराग्राफ है. मैं 2 सॉल्व करके बताऊंगी एंड यू हैव टू डू द थर्ड वन.
ओके, तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ है पूरा, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द होल पैराग्राफ, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हाट इट इज़ इन। सो अगर हम देखें यहाँ पे आपको, अब पढ़ना कैसे है पैराग्राफ, एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि एक पैराग्राफ पढ़ो और उसकी नोट मेकिंग करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया है, वो आपको कन्फ्यूज़ कर देगा। तो पूरा पैसेज पढ़ के हमें कभी भी नोट मेकिंग नहीं करनी है, एक पैराग्राफ पढ़ना है, नोट्स बनाइए, देन सेकेंड पैराग्राफ पे आए नोट्स बनाइए, और उसके बाद लास्ट में ये भी ध्यान रखना है कि वो जो पूरी स्टोरी है, वो जो पूरी नोट मेकिंग है, उसमें एक ही बात कही जाए। ऐसा ना हो कि सब लाइक स्कैटर्ड हो जाए, आप एक पैराग्राफ में कुछ और बात करो, दूसरे में कुछ और बात करो, तो ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि आपका जो मेन कॉन्टेक्स्ट है पैराग्राफ का, वो सेम होना चाहिए। सो इफ़ यू लुक एट द एग्जांपल, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट लाइन हमारी क्या है, कॉन्वर्सेशन इज़ इंडीड द वेरी मोस्ट ईजिली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। तो जैसे अगर हम देखेंगे तो इसमें पूरे में कॉन्वर्सेशन के बारे में बात हुई है, दैट मीन्स हमें कॉन्वर्सेशन कैसे करनी चाहिए एंड ऑल, इफ़ यू हैव रेड इट। सो अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या बनानी है, मैंने बताया हेडिंग बनानी है। सो हेयर कम हेडिंग बनानी है। अब देखिए ये सीक्वेंस है हमारा, ठीक है, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है तो यहाँ डालना है नंबर वन, और ये क्या हो जाएगी उसकी हेडिंग। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे हमें पता चला कि कॉन्वर्सेशन को क्या बताया जा रहा है, एक मोस्ट ईजिली टीचेबल आर्ट बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें मैंने कॉन्वर्सेशन को भी शॉर्ट में कर दिया, एब्रीवेशन में लिख दिया, और उसके बाद मैंने ये डैश लगा करके आगे क्या लिख दिया कि समझ में आ रहा है कि कॉन्वर्सेशन क्या है, सबसे ईजी टीचेबल आर्ट है। तो जो मेन पॉइंट था, जो मेन हेडिंग थी, जो मेन चीज़ उसके बारे में कही जा रही थी, उसको हमने इस तरीके से एकदम शॉर्ट में करके लिख दिया। देन कम सब हेडिंग। अब कितनी सब हेडिंग लिखनी चाहिए, तो जैसे एक एवरेज अगर देखें तो 4 से 5, कभी कभी ऐसा होता है कि पैराग्राफ में काफ़ी सारी बातें होती हैं, तो आप 5 से 6 भी उसको कर सकते हो, बट एक एप्ट अगर देखा जाए तो वो 4 से 5 होनी चाहिए। सो यहाँ पे अब सब हेडिंग आती है। सो दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट इंडेंटिंग। जैसे देखिए ये पूरा एक सीक्वेंस में है, ये एक सीक्वेंस में है, हेडिंग जो है वो एक सीक्वेंस में है, तो इसको इसी तरीके से लिखना है, सब हेडिंग्स या हेडिंग को एकदम एक सीक्वेंस में लिखना है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडेंटिंग कहते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि ये टीचेबल आर्ट है, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब ये टीचेबल आर्ट क्यों है, या कॉन्वर्सेशन को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो मैंने फर्स्ट लिखा रिक्वायर्ड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो अब कॉन्वर्सेशन के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पॉइंट से हमें समझ में आ गया, अच्छा इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लिखना होता है। अब मैंने पूरा इंटरेस्टिंग नहीं लिखा या पूरा सब्जेक्ट नहीं लिखा, इसको मैंने एब्रीवेशन में कर दिया, क्योंकि हमें उसमें नोट मेकिंग करनी है, और ये नियम है कि आप एब्रीवेशंस का यूज़ कर सकते हो। अगर मैं चाहती तो मैं रिक्वायर्ड को भी, इफ़ यू वांट तो रिक्वायर्ड को भी हम ऐसे लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन टॉक अबाउट हॉबीज़ ऑफ अदर्स। अब जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से लिखा है, अगर अदर्स को भी चाहें तो हम और इसको एब्रीवेट कर सकते हैं, लाइक अदर्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना एब्रीवेट करना चाहते हो आप कर सकते हो। पीपल को लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं पीपल, लेकिन ये करना, या प्लीज़ है, नहीं ये वाला प्लीज़ नहीं होगा, अगर वो वैसा वाला प्लीज़ होता है जो रिक्वेस्ट के लिए होता है, उसमें हम PLS लिख देते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप एब्रीवेशन को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे आपने जो भी एब्रीवेशन यूज़ किया, जैसे मैंने यहाँ पे INT. लिखा है, तो मैंने बताया यहाँ पे कि अच्छा वो इंटरेस्ट है। सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा कि ओके ये सब्जेक्ट है, अबाउट है, कॉन्वर्सेशन है। तो लास्ट में जितना भी आप एब्रीवेशन यूज़ करोगे उसको यहाँ पे लिखना है, और एब्रीवेशन यूज़ करना ही है, मस्ट है एब्रीवेशन यूज़ करना, नहीं तो फिर नोट मेकिंग हो नहीं पाएगी। देन इंटरेस्ट प्लीज पीपल। अब यहाँ पे क्या है कि जो इंटरेस्ट होता है वो लोगों को क्या करता है, खुश करता है। तो अब इससे हमें ये समझ में आ गया कि एक अच्छे कॉन्वर्सेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो इस तरीके से ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ के लिए हमने नोट मेकिंग कर ली। अब अगर हम सेकेंड पैराग्राफ अपना पढ़ते हैं, तो आप एक बार इसको पढ़ के देख लो कि क्या है सेकेंड पैराग्राफ में, या क्या बात की जा रही है। तो अगेन अगर हम इसमें देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कॉन्वर्सेशन एंड ऑल की बात की जा रही है, कि अब ऐसा आगे और कैसे कॉन्वर्सेशन अच्छा हो सकता है उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सो पॉज द वीडियो एंड रीड इट एंड आई एम गोइंग टू टेल यू फर्दर। तो अब यहाँ पे हमने क्या हेडिंग बना ली, एप्ट सब्जेक्ट गुड कन्वर्सेशन, यानी कि अच्छा सब्जेक्ट होगा तो अच्छा कन्वर्सेशन होगा, ये हमने अपनी तरफ से बना ली। ये भी ध्यान रखना है कि आपको पैराग्राफ की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि
अपनी शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे एप्ट वर्ड नहीं दिया था, ये हमने इसमें से हेडिंग निकाल लिया। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अभी नया टॉपिक है सो इट मे कॉज यू द प्रॉब्लम, बट आफ्टर सम टाइम यू विल मैनेज इट बिकॉज दिस इज़ वेरी ईजी टॉपिक टू डू। देन अब यहाँ पे जैसे हमने हेडिंग लिख ली सेकेंड पैराग्राफ की, अब हमें फिर अगेन इसमें से पॉइंट्स को छाटना है। तो जैसे एप्ट सब्जेक्ट है या गुड कन्वर्सेशन है, तो हम ये लिख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं या अच्छे कन्वर्सेशन के लिए कौन कौन सी बातें हमें दिमाग में रखनी होती है। तो मैंने लिख दिया नो बोरिंग सब्जेक्ट, यानी कोई बोरिंग सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। डोंट टॉक अबाउट योर सेल्फ, अपने योर सेल्फ, आप चाहो तो इसको योर सेल्फ को भी और शॉर्ट में करके लिख सकते हो। लिसन है, जैसे अभी तो मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा है, लिसन इस तरीके से लिख सकते हैं, टी लगा सकते हैं लिसन। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मेंशन कर देंगे कि ये जो एब्रीवेशन है उसका क्या मीनिंग है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो डोंट टॉक अबाउट योर सेल्फ, इसमें लिखा होगा, अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया होगा तो इसमें लिखा होगा कि ये सारी बातें हैं। लिसन फेलोज प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम ना बता करके लोगों की प्रॉब्लम को सुनना। लिसन विलिंगली, यानी कि अच्छे ढंग से सुनना। तो अगर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा जाए तो यही सारी मेन मेन बातें जो हैं वो कही गई हैं। तो इस तरीके से जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं उसको निकाल करके एक मेथड में, एक रूल में उसको एम्बाइड करके हम क्या करते हैं, नोट मेकिंग कर लेते हैं। अब दिस इज़ द थर्ड पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ है, सो रीड इट। एंड अब इसका हेडिंग और वो बनाने की कोशिश करनी है। सो इसकी हेडिंग बनानी है और इसमें सब हेडिंग बनानी है। ट्राई टू डू इट। अब अगर हम बात करें, अब हमारे पास क्या रह गया कि टाइटल क्या होगा। सो वो तो आपको करना है, लेकिन अगर मैं टाइटल बताऊँ तो हमें क्या समझ में आ रहा है, कॉन्वर्सेशन के बारे में बात की जा रही है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे हमने टाइटल हेडिंग डाल दी, और टाइटल हमारा अगर हम देखें बेस्ट क्या बन सकता है, तो एक कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन एक आर्ट के बारे में लिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कॉन्वर्सेशन एन आर्ट, हमारा हो जाएगा ये टाइटल या मेन हेडिंग। तो इस तरीके से ईजी और कन्वीनियंट वे में वी कैन डू द नोट मेकिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डू द मोर प्रैक्टिस एंड यू कैन आस्क, और अदरवाइज दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, इट जस्ट नीड योर क्रिएटिविटी, जस्ट नीड योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ यू रीड पैराग्राफ, हाउ यू समराइज इट, हाउ यू पिक आउट द मेन पॉइंट्स, जस्ट दैट। अदरवाइज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स कि नया कुछ लिखना है या ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है पैराग्राफ में है आपको उसको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और कंसाइज वे में करके लिख देना है, दैट्स इट। कुछ भी प्रॉब्लम होती है देन लेट मी नो।